subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. If I ask you, what is the relation between 10 and 100? Then you are going to say, sir, 100 10 से 10 गुना ज्यादा है. मतलब हम लोगों ने क्या किया, इसका रिलेशन दे दिया कि ये 10 गुना ज्यादा है. और else, let me take second example. अगर मैं बोलूं कि 5 और 500 में क्या फर्क है, तो आप लोग बोलोगे कि सर ये 500 5 से 100 गुना ज्यादा बड़ा है. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बचपन से हम लोगों ने सीखा है कि ये किससे कितना 10 गुना बड़ा है, कोई किसी से 100 गुना बड़ा है, कोई किसी से 1000 गुना बड़ा है. बट वॉट इफ आई टेल यू 1 मिलियन. 1 मिलियन मतलब 1 और 1 मिलियन के बीच में फर्क कितना है, नहीं पता ना. फिजिक्स के पास इसका आंसर है. अभी फिजिक्स ने क्या किया है, बहुत ही इजी टर्म्स में हम लोग समझते हैं कि रिलेशन कोई भी एक क्वांटिटी या दूसरे क्वांटिटी के बीच में कितना आएगा, या उसको अपने पावर्स के टर्म में हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. नाउ विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग द स्टफ मोर, आई एम गोइंग टू सिंपली टेल यू द बेसिक कॉन्सेप्ट हाउ टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन क्वांटिटी. नाउ द फर्स्ट बेसिक रूल इज, फॉर एग्जाम्पल माई वैल्यू इज एक्स. अभी वैल्यू एक्स है, एक चीज याद रखना है कि एक्स का जो रेंज है, एक्स हमेशा हम लोग का 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 5 से कम होना चाहिए या 5 के इक्वल होना चाहिए. मीन्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0.5 एंड एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 5. ठीक है, 5 या 5 के जितना चलेगा, लेकिन 0.5 से बड़ा होना चाहिए. ये इसका एक्स का रेंज हो गया. सो लेट अस लर्न विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल हम लोग बोलेंगे दैट इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन का हम लोग मास बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 × 10⁻³⁻³ kg. सबसे पहले हम लोग को चेक करना है इसका रेंज. रेंज देखते हैं, अपना रेंज कितना होना चाहिए, एक्स जो अपना वैल्यू है, तो इधर वैल्यू कितना है, 9.1. एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0.5 बट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5. क्या 9.1 0.5 से बड़ा है और 5 से कम या इक्वल है, नहीं. लेकिन मतलब मुझे क्या, इसको अपने रेंज पे लेके आना है. तो रेंज में लेके आने के लिए क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10. क्यों ऐसा किया, जब मैं डिवाइड बाय 10 किया तो हम लोग का 9.1 बन गया 0.91, और ऊपर जो मल्टीप्लाई बाय 10 किया था तो 10⁻³⁻ एंड 10⁻¹. 10 मतलब 10⁻¹ बन गया −31 × 10⁻¹. रिमेंबर पावर्स हमेशा एड या सब्ट्रैक्ट होते हैं. सो −31 + 1 कितना हो जाएगा, 10⁻¹⁻. सो मेरा वैल्यू क्या आ गया, 0.91 × 10⁻³⁻. चेक करो रेंज में है क्या, हाँ, 0.9 हम लोग का 0.5 से बड़ा है और 5 से कम है, मतलब इट इज इन द रेंज. अभी रेंज में आ गया तो इसके साथ पावर क्या आया, पावर आया 10⁻¹⁻, मतलब 10⁻¹⁻ kg becomes our order of magnitude. Simple concept. So हम लोग का mass of an electron का order of magnitude क्या है, 10⁻¹⁻ kg. चलो और एक example ले लेते हैं. दूसरे example में हम लोग बोलते हैं what is the charge of an electron. Charge of an electron is 1.6 × 10⁻¹⁹ coulomb. सबसे पहले क्या check करना है, range. रेंज चेक करते हैं, क्या होना चाहिए अपना, एक्स का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0.5 लेस देन इक्वल टू 5. 1.6 0.5 से बड़ा है और 5 से कम भी है, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो पावर है वही ले लो. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 10⁻¹⁹ कूलम. समझा बेसिक कंसेप्ट. और एक एग्जांपल ले लेते हैं. हम लोग बोलते हैं हमारा पल्स रेट होता है 72 पल्स पर मिनट. ओके, अभी एक चीज याद रखना है, कोई भी क्वांटिटी होगा उसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लो. ओके, मतलब एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो. अभी हम लोग का पल्स रेट क्या बोला हमने, 72 पल्स पर मिनट, लेकिन हम लोग का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकंड्स. तो हम लोग इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं. मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम बोलेंगे 72/60 सेकंड. 72/60 कितना होता है, 1.2 सेकंड. ठीक है, हम लोग ने स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, हमको मिल गया 1.2 सेकंड. अभी हम लोग रेंज चेक करते हैं, हमारा रेंज क्या है, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0.5 लेस देन इक्वल टू 5. अभी हम लोग का आंसर क्या मिला है, 1.2. हाँ, 0.5 से बड़ा है, 5 से कम है. ठीक है,
कुछ भी नहीं है इसका पावर, तो मतलब पावर कुछ भी नहीं है, मतलब इनटू 10 टू द पावर 0. सो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 10 टू द पावर 0. रिमेंबर 10 टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. सो दिस इज द मैनर हाउ एग्जैक्टली यू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन अ वेरी सिंपल मैनर.